गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स का कोलोइड्स पर इफ़ेक्ट, है ना। तो इसमें हम देखेंगे, ये थर्ड लेक्चर है यूनिट वन का। पहले दो इसके मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, है ना। तो देखते हैं क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लायोफोबिक कोलोइड्स की, ठीक है। तो जो लायोफोबिक कोलोइड्स होते हैं, है ना, आपको मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो जो DLVO थ्योरी है ना, वो जो आपके डिस्पर्जेंस हैं इनकी स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। DLVO कैसे नाम पड़ा, ये चार जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, देरजागवेन, लैंडेव, वर्बे और ओवरब्रीक, इनके नाम पर ये थ्योरी का नाम पड़ा है, ठीक है। तो इनके फर्स्ट लेटर को लेके DLVO बना है, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या बताती है, ये थ्योरी बताती है कि जो पार्टिकल्स हैं, है ना, दो पार्टिकल हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो उनके पार्टिकल्स के बिहेवियर को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये थ्योरी जो है ना, वो आपके इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट को मेज़र करने के लिए भी यूज़ होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट या जो प्रेसिपिटेंट होते हैं या पेप्टाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि कोलाइड को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो उनके अमाउंट को मेज़र करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें थ्योरी में हम आगे बढ़ेंगे, तो इसमें हम मान के चलते हैं कि जैसे कि पार्टिकल्स हैं ना, इनको एक मैग्नेट के फॉर्म में भी हम मान सकते हैं। तो क्या होता है, जब अट्रैक्शन होता है, तो ठीक है, दो पार्टिकल के बीच में या मैग्नेट में, तो क्या होता है कि ये एग्रीगेट फॉर्म कर लेते हैं। जब दो पार्टिकल लेंगे आप, इनके बीच में अगर अट्रैक्शन होगा तो ये पास पास आके एग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है। और जब रिपल्सन प्रीडोमिनेट होगा, ठीक है, चाहे मैग्नेट हो या पार्टिकल के बीच में, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा तो ये दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे पार्टिकल्स, है ना। तो इंडिविजुअली ये एग्रीगेट फॉर्म नहीं करेंगे और इंडिविजुअली एक एक पार्टिकल के फॉर्म में ये अलग अलग सेपरेट रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, दो पार्ट में देख लिया हमने। इसके बाद ये DLVO थ्योरी के लिए ये जो एक ग्राफ है, इसको इसके अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश की जाती है ना, तो इसको हम पढ़ते चलेंगे और डिस्क्राइब करते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले है जो आपका प्राइमरी मिनिमम क्या होता है, ठीक है। जो पार्टिकल है ना, जो पार्टिकल है, अगर वो एक दूसरे के बहुत क्लोज रहेंगे, ठीक है, तो एक दूसरे के ऑर्बिटल्स को, है ना, ऑर्बिटल के सरफेस को ओवरलैप कर लेंगे इस तरीके से, है ना। तो इससे क्या होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ऑर्बिटल्स के बीच में जब ये ओवरलैप करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। इसको बोलते हैं प्राइमरी मिनिमम। ये जो आप यहाँ पर पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है कि दो पार्टिकल्स हैं ना, जब बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हैं ना, तो क्या हुआ है, उनके बीच में ऑर्बिटल ओवरलैप हो गए हैं, ठीक है, और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो इसको प्राइमरी मिनिमम बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पार्ट, ये जो यहाँ तक, ठीक है, ये प्राइमरी मिनिमम है, इसको बोलते हैं प्राइमरी मिनिमम, ठीक है। क्या होगा, जब दो पार्टिकल होंगे वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ठीक है, एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो ये एक दूसरे के ऑर्बिटल को ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसको हम प्राइमरी मिनिमम से शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसका एग्जांपल देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट कैसे कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम स्टेबलाइजेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं ना, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट रिमूव कर दें, ठीक है, आपके जो कोलोइड सॉल्यूशन है, ठीक है, स्टेबलाइज्ड जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसको यदि हम उसमें से अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव कर दें, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो इंटर पार्टिकल रिपल्शन है, ठीक है, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो लायोफोबिक कोलोइड्स होते हैं, ठीक है, उनके पार्टिकल के ऊपर शीथ नहीं होती है ना, तो शीथ नहीं होती है, तो ये किस वजह से स्टेबलाइज होते हैं लायोफोबिक, केवल इनके ऊपर जो चार्ज होता है ना उसकी वजह से, ठीक है, सिर्फ उसकी वजह से ये स्टेबलाइज होते हैं। तो क्या करते हैं हम कि इनको स्टेबलाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स डाल देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जैसे माइनस चार्ज है इस पर पार्टिकल पर, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले
जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो इस पर एड्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज सारे पार्टिकल पर एड्सॉर्ब हो जाएगा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये इस पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पूरे सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज एड्सॉर्ब हो जाएगा। तो इस पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज ये जो लेयर है ऊपर की, ये इस वाले पार्टिकल की लेयर को रिपेल करेगा, तो एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, है ना, स्टेबलाइज रहेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर हमने ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर को अगर हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि ये रिपल्सन कम हो जाएगा, ठीक है, समझ आया आपको। फिर से बताता हूँ, जैसे एक पार्टिकल है आपका ये वाला, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये लायोफोबिक कोलॉइड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पर इलेक्ट्रोलाइट डाला पॉजिटिव चार्ज वाला, है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज एड्सॉर्ब होगा इस पर क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसकी सतह पर पूरे पे एड्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही इसके पार्टिकल पे होगा, ठीक है, सारी सतह पर इसके पॉजिटिव चार्ज एड्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पॉजिटिव चार्ज और इसके पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो स्टेबलाइज रहेगा, है ना, एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, ठीक है। अगर हम इसको इस थ्योरी में हम सबसे पहले कंसिडर करें कि अगर हम ये जो इलेक्ट्रोलाइट है पॉजिटिव चार्ज है इसको अगर हम रिमूव कर दें, है ना, तो क्या होगा कि रिपल्सन डिक्रीज़ हो जाएगा दोनों पार्टिकल के बीच में, ठीक है, और ये जो रिपल्सन है ना, इतने एक्सटेंट तक डिक्रीज़ हो जाएगा कि उनका कोएगुलेशन हो जाएगा। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये दो पार्टिकल हैं, ठीक है, इनमें से ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है इलेक्ट्रोलाइट का, हमने इनको डायलिसिस से रिमूव कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों पार्टिकल कोएगुलेट हो गए, एक दूसरे के पास पास आ गए, क्योंकि इनका रिपल्सन अब ख़त्म हो गया है क्योंकि हमने ये जो इलेक्ट्रोलाइट इनको रिमूव कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये पार्टिकल जो हैं, ये जो कोएगुलेट हो गए हैं, ये बॉटम में आपके हार्ड केक बना लेंगे, नीचे आपके जो आपका कोलाइडल डिस्पर्जन होगा उसके नीचे, है ना, आपका सॉल्वेंट में हार्ड केक फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। ये जो बिहेवियर है ये प्राइमरी मिनिमम के कोरिस्पॉन्ड होता है आपके DLVO थ्योरी में, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं प्राइमरी मिनिमम को, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका सेकेंडरी मिनिमम की, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये था आपका प्राइमरी मिनिमम, यह आपका सेकेंडरी मिनिमम, ठीक है। तो सेकेंडरी मिनिमम को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसमें देखते हैं हम क्या होता है, जब दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जब दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, दोनों पार्टिकल्स अट्रैक्टिव फोर्स फील करते हैं ना, एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, एग्रीगेट बना लेते हैं, ठीक है, और इसको सेकेंडरी मिनिमम से समझ सकते हैं क्या होता है। चलिए हम एग्जांपल से इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जब पार्टिकल्स हैं जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है या कोलाइड हैं, है ना, उसमें हम एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, फ्लॉक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि क्या होता है कि जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं ना, तो लायोफोबिक कोलाइड्स मैंने आपको बताया था कि ये स्टेबलाइज रहते हैं इलेक्ट्रोलाइट से, है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें और ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, ठीक है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, तो हमने क्या हुआ, ये इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल्स थे दोनों, है ना, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड हो जाने की वजह से इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से, ठीक है, इन दोनों के बीच में और जो पार्टिकल्स हैं ना, ये एक एक निश्चित दूरी की पर पहुंच के एक दूसरे के एग्रीगेट फॉर्मेशन करने लगते हैं, है ना, क्योंकि इनका रिपल्शन अब, है ना, कम हो गया है, ठीक है, रिपल्शन इनका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक निश्चित दूरी पर जाके, एक निश्चित दूरी तक ही रिपेल करेंगे और वहाँ पर जाके ये एक एग्रीगेट बना लेंगे पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाके, है ना, क्योंकि इनके बीच में जो अमाउंट है इलेक्ट्रोलाइट का वो अमाउंट ज़्यादा बढ़ गया, तो वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस तक जाके स्टेबल, जहाँ तक इनका रिपल्शन ख़त्म हो जाएगा वहाँ तक जाके एक दूसरे के साथ में, है ना, और ये अट्रैक्ट होके एक दूसरे के ऐसे एग्रीगेट फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यही जो आपका टॉपिक है इसमें ये बताया गया है, ठीक है, कि अगर दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है ना, तो पार्टिकल्स जो हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स फील एक्सपीरियंस करते हैं और एग्रीगेट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो आपका लायोफोबिक कोलाइड्स है उसमें हमने एक्सेस में
आपके इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई है ना, और जिसकी वजह से ये फ्लॉक्यूल के फॉर्म में एग्रीगेट के फॉर्म में एग्रीगेट बना लेते हैं। फ्लॉक्यूल मतलब एक एग्रीगेट है ना, तो इसके बीच में यहाँ पर सभी जगह पर ये इस तरीके से आपके बहुत सारा अमाउंट में आपका इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, ठीक है। तो ये एग्रीगेट इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सेकेंडरी मिनिमम है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें है जो थर्ड पार्ट है, इसमें यह बताया गया है कि जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है, उनका जो पार्टिकल्स होते हैं है ना, उन पर जो चार्ज होता है उसके अपोजिट इलेक्ट्रोलाइट का चार्ज इस पर एड्जॉर्ब होता है, तो उससे क्या होता है कि जो जीटा पोटेंशियल है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जैसे आपका पार्टिकल अगर नेगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट का जो पार्टिकल्स हैं वो एड्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, पोटेंशियल क्रूशियल वैल्यू के नीचे पहुंच जाता है, ठीक है। और जो इसमें यही बताया गया है कि जो अपोजिट चार्ज है जो आयंस होते हैं वो एड्जॉर्ब होते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स पर, उससे क्या होता है कि जो जीटा पोटेंशियल है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टेबलाइजेशन है वो आपके कोलॉइड्स का होता है, ठीक है। और हार्डी सुल्ज जो एक रूल है, इसमें इन्होंने बताया था कि जो किसी भी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी प्रेसिपिटेटिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा उसकी बैलेंसी होगी, या पर उस पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, है ना। जैसे Al जो 3 होगा प्लस 3, उसकी प्रेसिपिटेटिंग पावर है ना जो सोडियम प्लस है उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी बैलेंसी 3 है ना। तो यही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन लायोफिलिक कोलॉइड्स। अभी तक हमने बात की इलेक्ट्रोलाइट के इफेक्ट की किस पर, लायोफोबिक कोलॉइड्स पर, ठीक है। तो इसके आगे हम इसके बात करेंगे, जो हमारा थर्ड पॉइंट था है ना, यहाँ से हम देखते हैं थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया कि जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं ना, मान लीजिए इस पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो इस पर क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है अपोजिट चार्ज आयन का, है ना। मतलब जैसे हमने इस पर इलेक्ट्रोलाइट डाले तो इस पर पॉजिटिव चार्ज एड्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, ये एड्जॉर्ब हो जाएंगे चारों तरफ इसके, है ना। और इससे क्या होगा कि जो जीटा पोटेंशियल है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इसकी क्रिटिकल वैल्यू के नीचे तक, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया था कि ये स्टेबलाइज करने का एक तरीका होता है, हमने क्या हम जो सुल्ज हार्डी रूल है एक, वो ये बताता है कि जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रोलाइट की वैलेंसी होगी, ठीक है, उसकी प्रेसिपिटेटिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, है ना। ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा कोलॉइड जब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, है ना, यानी स्टेबिलिटी शो करेगा, ठीक है। तो ये जो चार्ज है आपके जो एड्जॉर्ब हो रहे हैं पार्टिकल्स पर, इसकी वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी हार्ड सुल्ज रूल के अकॉर्डिंग, उसकी प्रेसिपिटेटिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। जैसे कि आपका Al प्लस 3 जो आयन है, इसकी आपकी प्रेसिपिटेटिंग पावर Na प्लस आयन से बहुत ज़्यादा होगी, है ना। तो इस तरीके से ये पॉइंट थर्ड दिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन लायोफिलिक कोलॉइड। अभी तक हमने बात की थी लायोफोबिक कोलॉइड की, ठीक है। अब लायोफिलिक कोलॉइड्स में क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया था कि लायोफिलिक जो कोलाइड होते हैं, है ना, इनके चारों तरफ क्या होती है, शीत होती है, जो आपका लिक्विड होता है या मीडियम होता है उसकी शीत होती है ना। तो जब भी हम हायर कंसंट्रेशन में इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें बहुत सारा आपका इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सारा का सारा वाटर जो है ना, ये जो वाटर की शीत है इसको रिमूव कर देगा, कौन, इलेक्ट्रोलाइट, ये जो पार्टिकल्स हैं कोलॉइड के, लायोफिलिक कोलॉइड के, है ना, ये सारा का सारा पानी या वाटर ये इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, है ना, और क्या करेंगे, आपका जो पार्टिकल था इसका डिहाइड्रेशन कर देंगे, ठीक है, और खुद हाइड्रेट हो जाएंगे, ठीक है। और ये पार्टिकल जो है ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, सेपरेट होने की वजह से अब ये क्या हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे, है ना, कोएगुलेट हो जाएंगे या साल्ट आउट होकर बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका इफ़ेक्ट है, ये आप डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, ये पार्टिकल है एक मिडिल में, ठीक है,
और इसके चारों तरफ ये शीट है सॉल्वेटेड, जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है। और ये जो बहुत सारे मैंने गोल बनाए, ये इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है हमने अमाउंट में ज़्यादा, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो इलेक्ट्रोलाइट है इनने ये जो वाटर पार्टिकल थे, वाटर की शीट थी, इसको रिमूव कर दिया है और इस पार्टिकल को डिहाइड्रेट कर दिया है, ठीक है। तो ये सारा पानी इन लोगों ने, इलेक्ट्रोलाइट के जो पार्टिकल थे इनने ले लिया, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या होगा कि फ्लॉक्यूलेशन या साल्ट आउट हो जाएगा आपका कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। ये क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट खुद तो हाइड्रेट हो जाते हैं, ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑकर, ठीक है, लेकिन वो डिहाइड्रेट किसको कर देते हैं, जो कोलाइड पार्टिकल है उसको, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपका जो सेकंड पॉइंट है, इसमें क्या है, एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल, ठीक है, टू हाइड्रोफिलिक कोलाइड काइट डिहाइड्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ये देखिए फिर से क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है आपका कोलाइडल पार्टिकल लायोफिलिक, इसके चारों तरफ ये शीट रहती है वाटर की, है ना। हमने जैसे इसमें नॉन सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल वगैरह ऐड किया, तो ये क्या करेगा, अल्कोहल ये शीट या वाटर को पूरा का पूरा खुद के साथ अटैच कर लेगा, मतलब अल्कोहल और वाटर जो है आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, H2O और अल्कोहल अलग हो जाएगा और ये क्या करेगा, इस पार्टिकल को अलग कर देगा, ठीक है, ठीक है। इससे क्या होगा कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा इस पार्टिकल का फिर से, है ना। तो क्या होगा, ये फ्लॉक्यूलेशन हो जाएगा आपका, ठीक है, तो फ्लॉक्यूलेशन हो जाएगा, एग्रीगेट बन जाएंगे पार्टिकल के आपके, ठीक है, कोलॉइड के, ठीक है। तो इस तरीके से आपके इफेक्ट है आपके कोलॉइड पर, कोलॉइड पर किस चीज़ का, इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये इफेक्ट ऑफ कोलॉइड्स आप देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जो आपका कोसर्वेशन है। कोसर्वेशन क्या होता है कि कोसर्वेशन का मतलब हम इस तरीके से समझेंगे कि हमने दो कोलॉइड ले लिए, एक पर सारे पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर सारे पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज है ना। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जब मिक्स किया आपस में, ठीक है, तो ये एक एग्रीगेट बना लेते हैं, इनको हम कोसर्वेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना कि जो कोसर्वेशन है वो दो अपोजिट चार्ज्ड, ठीक है, जो आपके कोलाइड्स होते हैं उनके बीच होता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जैसे ही आप अपोजिट चार्ज कोलाइड्स हैं उनको मिक्स करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो कोलाइड रिच लेयर है उसका सेपरेशन हो जाएगा। इस तरीके से जो कोलाइडल रिच लेयर बनेगी ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, है ना, तो ये क्या बनेगा, एग्रीगेट बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो लेयर होती है इसको कोसर्वेट बोलते हैं ना, जो एग्रीगेशन होते हैं बन जाता है उसको कोसर्वेट बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल दिया है कि जिलेटिन और अकेशिया, ठीक है, तो क्या होता है कि जिलेटिन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और अकेशिया जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, ठीक है, सर्टेन प्रोपोर्शन में, तो क्या होता है, कोसर्वेशन हो जाता है आपस में, कोसर्वेट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ऐड करने पर जो कोएगुलेशन हो जाता है, या फिर होने दोनों को न्यूट्रलाइज होने से कोसर्वेशन होता है, जो पार्टिकल एग्रीगेट फॉर्म पर करते हैं या प्रेसिपिटेट टाइप का फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोसर्वेशन है प्रोसेस जो होती है आपके कोलाइड्स में। फिर है आपका नेक्स्ट है जो आपका टॉपिक, वो है पेप्टाइजेशन, ठीक है। पेप्टाइजेशन क्या है, एक मेथड होती है जो कि हम जिससे कि हम कोलॉइड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और जो पेप्टाइजेशन मेथड होती है, ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं उनको कोलॉइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, उसमें उसको हम वाटर में लेते हैं और एक पेप्टाइजिंग एजेंट लेते हैं। पेप्टाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, वो आयनिक जो कंटेंट होते हैं या कुछ इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं जो हम ऐड करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जैसे आपका एक प्रेसिपिटेट है, ठीक है, तो प्रेसिपिटेट को हमने इसको क्या किया, इसमें वाटर ऐड किया पहले, ठीक है। इसको वाटर ऐड करने के बाद में इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं, या पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। पेप्टाइजिंग एजेंट जैसे ही हमने ऐड किया, तो ये क्या करता है, ये इसके चारों तरफ जो चार्ज है ना वो ला देता है, या चार्ज इसके जो पार्टिकल्स हैं प्रेसिपिटेट के वो एड्जॉर्ब कर देता है, ठीक है। कौन, इलेक्ट्रोलाइट, है ना। क्या होता है कि ये जो आपका प्रेसिपिटेट पार्टिकल है ना, इस पर जो क्या होता है कि जो
आपका जो पेप्टाइजिंग एजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो एड्जॉर्ब हो जाता है ना, उसके आयन एड्जॉर्ब हो जाते हैं इस पर। तो क्या होता है कि ये जो लाइक चार्ज है ना, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना। इस तरीके से वाटर में एक स्टेबलाइज आपका कोलॉइड बन जाता है, ठीक है। तो पेप्टाइजेशन आपको समझ आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। फिर इसके दो एग्जाम्पल दिए हैं। ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन टू फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड। एक बात याद रखना कि आयन सेम होना चाहिए, जैसे इसमें फेरिक आयन है, ठीक है, तो इसमें भी फेरिक आयन है, ठीक है। मतलब एक आयन कम से कम सिमिलर होना चाहिए, तब प्रेसिपिटेट का जो आयन है वो सेम होना चाहिए, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो उसमें कम से कम एक आयन है ना। जैसे इसमें फेरिक क्लोराइड में आपका FeCl3 ही होगी, है ना, और यहाँ फेरिक हाइड्रोक्साइड में FeOH3 होगा, है ना। तो ये Fe इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब एक आयन कॉमन होना चाहिए कम से कम प्रेसिपिटेट में और इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया, जैसे सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, कैन बी पेप्टाइजिंग बाय शेकिंग विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो कोलॉइड प्रेसिपिटेट है ना, ये प्रेसिपिटेट है किसी चीज़ का, इस पर जो है हमने इलेक्ट्रोलाइट या पेप्टाइजिंग एजेंट ऐड किया है, तो ये एड्जॉर्ब हो गया है। तो इस तरीके से आपका जो आपका पेप्टाइजेशन है वो हुआ है, या जो आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन है या डिस्पर्जन है वो बना, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है इसके फॉर्मेशन के लिए, उसको पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना आप, ठीक है। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं एग्जांपल, यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसमें हमने फेरिक क्लोराइड ऐड किया है, तो ये Fe+ जो एड्जॉर्ब हो गया चारों तरफ सरफेस पर फेरिक हाइड्रोक्साइड के, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और ये जो आपका Fe+ और Cl3- में टूट के Fe एड्जॉर्ब हुआ है, ये प्लस चार्ज जो है आपके Fe+ के दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पेप्टाइजेशन का एग्जांपल है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्टिव एक्शन, है ना। तो क्या होता है कि प्रोटेक्टिव एक्शन जो है वो शो किया जाता है किसके द्वारा, जो आपके लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लायोफोबिक कोलॉइड्स हैं, ठीक है, वो क्या होता है, कोएगुलेट हो जाते हैं, जो आपके लायोफोबिक कोलॉइड्स हैं है ना, उनका कोएगुलेशन हो जाता है जब हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, ठीक है। जबकि जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है, उनका कोएगुलेशन नहीं होता चाहे आपका इलेक्ट्रोलाइट डालने पर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लायोफिलिक कोलॉइड होते हैं, इनके चारों तरफ ना शीथ होती है वाटर या फिर आपके डिस्पर्जन मीडियम की, ठीक है, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने का इसमें, ठीक है। इसलिए जो लायोफिलिक कोलॉइड हैं वो स्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से अफेक्ट नहीं होते। लेकिन जो लायोफोबिक कोलॉइड हैं, इन पर शीथ नहीं होती है इनके चारों तरफ, तो ये कोएगुलेटेड हो जाते हैं, ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो फिर क्या होता है कि फिर हम क्या करते हैं कि जो लायोफोबिक कोलॉइड्स हैं, ठीक है, इसमें अगर हम स्मॉल अमाउंट डाल दें आपके लायोफिलिक कोलॉइड का, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ, फिर इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे थोड़े बहुत अमाउंट में, तो जो लायोफोबिक कोलॉइड है उसका कोएगुलेशन नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि जब लायोफोबिक कोलॉइड है ना, इसमें अगर हम थोड़ा सा अमाउंट ऐड कर दें लायोफिलिक कोलॉइड का, ठीक है, लायोफोबिक में, है ना, हमने ऐड कर दिया लायोफिलिक कोलॉइड को, है ना, स्मॉल अमाउंट में, तो फिर अगर आप फिर इस लायोफोबिक कोलॉइड में इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे स्मॉल अमाउंट में, है ना, तो ये लायोफोबिक कोलॉइड कोएगुलेट नहीं होगा, ठीक है। किसने रोका कोएगुलेट होने से? ये जो लायोफिलिक कोलॉइड ऐड किया है ना हमने, वो लायोफोबिक कोलॉइड के कोएगुलेशन को रोकता है ना, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर, ठीक है। तो यही जो एक्शन होता है लायोफिलिक कोलॉइड का कोएगुलेट होने से रोकना, लायोफोबिक कोलॉइड का कोएगुलेशन रोकना, यही कहलाता है प्रोटेक्टिव एक्शन। किसका? लायोफिलिक कोलॉइड्स का, ठीक है। तो आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड, ठीक है, प्रिवेंट अ लायोफोबिक कोलॉइड सॉल्यूशन फ्रॉम कोएगुलेशन, ठीक है। मतलब जो लायोफिलिक कोलॉइड है उसने लायोफोबिक कोलॉइड को कोएगुलेट होने से रोक दिया है ना, चाहे आप फिर इलेक्ट्रोलाइट डालते रहो, ठीक है,
ठीक है। तो इसके आगे फिर हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है, क्या होता है कि जब हम लायोफिलिक कोलोइड को ऐड करते हैं लायोफोबिक कोलोइड में, तो जो पार्टिकल्स हैं लायोफोबिक कोलोइड्स के, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये जो आपका लायोफोबिक कोलोइड है, ठीक है, ये जो लायोफोबिक कोलोइड्स है इसके चारों तरफ आप देख रहे होंगे ये जो लायोफिलिक कोलोइड है इसके पार्टिकल एड्जॉर्ब हो गए हैं, है ना। तो इनने क्या किया है, इस जो पार्टिकल था आपका लायोफोबिक कोलोइड, है ना, इसको क्या किस तरीके से बिहेव चेंज कर दिया इनने, लायोफिलिक कोलोइड ने उसको अपने जैसा शो करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये लायोफिलिक की लेयर बन गई इसके चारों तरफ लायोफोबिक के, तो वो लायोफोबिक की तरह बिहेव नहीं करता, वो लायोफिलिक कोलोइड सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इसका कोएगुलेशन रुक जाता है, ठीक है। तो आपका लायोफोबिक जो कोलोइड था ना उसका जो कोएगुलेशन है वो रुक गया, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म है कि कैसे वो प्रोटेक्ट करता है जो आपका लायोफिलिक कोलोइड है लायोफोबिक कोलोइड को, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो प्रोटेक्टिव एबिलिटी है किसी कोलोइड की, ठीक है, वो गोल्ड नंबर में मेज़र की जाती है, ठीक है। गोल्ड नंबर क्या होता है, ये किसी जो लायोफिलिक कोलोइड है उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो कितना इफ़ेक्टिव है प्रोटेक्शन में, किसके, लायोफोबिक कोलोइड के प्रोटेक्शन में, ठीक है। तो गोल्ड नंबर क्या होता है, गोल्ड नंबर मिलीग्राम में किसी प्रोटेक्टिव कोलोइड की वो मात्रा होती है, ठीक है, जो कि हम जो कि हम ऐड करते हैं आपके कोलोइड में, ठीक है, वो मात्रा होती है जी। एक सेकेंड, इसमें हम क्या करेंगे, गोल्ड नंबर में हमको इसको प्रैक्टिकल से समझेंगे। हमने क्या किया है ना, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, इसमें 10 ml, ठीक है, इसमें हमने 10 ml रेड गोल्ड सॉल ले लिया, रेड कलर का गोल्ड का आपका सॉल ले लिया, गोल्ड मतलब AG है ना, ठीक है, सॉरी AU है ना। तो हमने क्या किया कि रेड कलर का 10 ml गोल्ड सॉल ले लिया, ठीक है। अब इसमें हमने 1 ml 10% NaCl डाला, कितना, 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, ऐड किया इसमें, ठीक है। तो इसका कलर कैसा होगा, ठीक है, इसका कलर हो जाएगा, चेंज होना स्टार्ट होगा आपका रेड से वायलेट, है ना, रेड से वायलेट होने लगता है, ठीक है। जैसे ही हमने 10 ml रेड गोल्ड सॉल में हमने 1 ml 10% NaCl डाला, तो वो कलर किस तरफ चेंज होने लगता है, NaCl डालने के बाद रेड से वायलेट की तरफ चेंज होने लगता है। तो ये जो गोल्ड नंबर होता है वो प्रोटेक्टिव कोलोइड की मिलीग्राम में वो संख्या होती है, वो अमाउंट होती है जो कि इस कलर चेंज को रोके, रेड से आपका जो वायलेट कलर चेंज हो रहा है ना, इसको रोकने के लिए कितने मिलीग्राम आपका कोलोइडल सॉल्यूशन चाहिए है, वो कहलाती है किसी कोलोइड की गोल्ड संख्या, है ना। मैंने क्या बताया कि गोल्ड नंबर क्या होता है, हमने क्या किया कि 10 ml रेड गोल्ड सॉल ले लिया, ठीक है, उसमें जब हम 1 ml 10% NaCl डालेंगे तो उसका कलर रेड से वायलेट होने लगता है, ठीक है। तो कोलोइड की वो संख्या, किसी प्रोटेक्टिव कोलोइड की वह मिलीग्राम में मात्रा जो कि इस कलर को वायलेट, रेड से वायलेट होने से रोके, है ना, वो कहलाती है गोल्ड नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये गोल्ड नंबर समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये किसी भी जो कोलोइड होता है प्रोटेक्टिव कोलोइड उसकी जो कैपेसिटी है उसको शो करता है, ठीक है। और गोल्ड नंबर जितना कम होगा ना उतना अच्छा उसका प्रोटेक्टिव एक्शन माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपका लेक्चर जो आपका थर्ड है ना वो भी ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी यहाँ पर एंड होता है। अगर इसके अलावा भी कुछ अगर रह गया होगा तो इम्पॉर्टेंट अगर मुझे लगता है तो मैं आपको उसका वीडियो अलग से सेपरेटली प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और अगर इसको इसमें अगर कन्फ्यूजन है आपको कहीं पर चैप्टर में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं उसको आपको डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।